क्लास नाइन्थ आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 1F क्वेश्चन 22 रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है, इसमें तीन पार्ट है, तीनों को सॉल्व करेंगे। तो पहले पार्ट को बड़े ध्यान से करना, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये तीन फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन तीनों फॉर्मूले को रट लो, घोल के पी जाओ, ठीक है, जो करना है कर लो, मगर इसे आने चाहिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट पार्ट ना थोड़ा सा विचित्र है, अभी तक के सारे जो हमने क्वेश्चन किए उनमें से। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझ लो। देखो सॉल्व करने का बिल्कुल वही मेथड है, मतलब ये देखो तीन बार रूट दे दिया, ये थोड़ा सा विचित्र दिख रहा होगा ना। तो देखो इसको कैसे विचित्र से चित्र बनाते हैं। तो अब देखो इसमें सबसे पहले हम लोग इसको लिखते हैं, यहाँ लिखा 1 डिवाइड में हमारे पास रूट 7 है, ठीक है, प्लस रूट 6 माइनस रूट में 13। अब देखो ये तीन दिख रहा है, अब इसमें से किसी भी दो को पकड़ो और उसको एक ब्रैकेट में कर दो। हमने इन दोनों को पकड़ लिया और इन दोनों को दोस्त बना दिया, एक घर में रख दिया, मतलब ब्रैकेट में कर दिया। तो हम लोग इसको बोल देंगे, अब ये हो गया हमारा ए और इसको बोल देंगे बी, ठीक है, ये हो गया ए और ये बी हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और इसको उठाएंगे और यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर रखते हैं, तो ये हो गया रूट 7 प्लस रूट 6 माइनस जगह हो जाएगा प्लस रूट हो जाएगा 13, ठीक है, ये ब्रैकेट में। डिवाइड में हमारे पास सेम यही आ जाएगा, रूट 7 प्लस रूट 6 प्लस रूट 13, ठीक है। अब देखो ये लिखने की ज़रूरत नहीं, ये समझाने के लिए बताया था। अब देखो क्या करो, 1 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो सेम वही रहेगा, क्या आ जाएगा रूट 7 प्लस रूट 6 और यहाँ पर है प्लस में रूट 13, डिवाइड करो। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, ये हमारा पूरा ए था, ये पूरा हमारा बी था, ये भी ए है, ये भी बी है। अब इसको ध्यान से देखो, तो ये ए प्लस बी, ये पूरा ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसकी जगह में हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लिख देंगे। देखो ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और यहाँ पर ए माइनस बी, ठीक है। तो देखने में हमारा ये दोनों एक जैसा लग रहा है, क्योंकि हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये a प्लस बी हो गया, ये a माइनस बी हो गया, ठीक है। इसी जगह में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, a हमारा ये पूरा है, तो यहाँ पर लिखेंगे रूट 7 प्लस रूट 6 होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस b हमारा क्या है 13, इसमें भी होल स्क्वायर करेंगे। इतना समझ में आ गया। अब अगर इसको जरा सा ध्यान से देखो, ये हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो इसमें a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर ऊपर जो है ना सेम वही रहेगा, क्या है रूट 7 प्लस रूट 6 प्लस रूट में 13। डिवाइड में हमारे पास देखो क्या है, ये है ना, इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो a स्क्वायर होता है इसमें, मतलब रूट 7 का स्क्वायर प्लस b होगा हमारा रूट 6 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू रूट 7 इंटू रूट 6 माइनस रूट में क्या है 13, ठीक है, इसमें भी स्क्वायर है ना, स्क्वायर लगा दो। अब इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर वाला जैसा है सेम वैसा ही रहेगा, ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर रूट 7 लिखा हमने प्लस रूट में 6 लिख दिया प्लस रूट 13 कर दिया। अब यहाँ पर डिवाइड में, मतलब अपॉन में देखो 7, रूट 7 का स्क्वायर 7 होता है, रूट 6 का होता है 6, तो 7 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 7 प्लस 6 13 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 13 लिख देते हैं, ठीक है, तो 13 प्लस 2, अब देखो रूट 7 है रूट 6 है, 6 7 से क्या होगा 42, तो यहाँ पर रूट में क्या कर दो 42 लिख दिया, माइनस में क्या है 13, रूट 13 का स्क्वायर क्या होता है 13 होता है। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, यहाँ पर लिखो 7 रूट में प्लस रूट 6 माइनस नहीं प्लस 13, ये भी रूट में। डिवाइड में हमारे पास आ गया 2√42, ठीक है, इतना हमने कर दिया। हमारे पास ये आया है, ठीक है, मगर ये अभी भी रूट में है, जो डिवाइड में है वो हमारा अभी रूट में, तो इसको हम लोगों को हटाना है रूट से। तो हम लोग इसको फिर से रेशनलाइज करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा हमने रूट 7 प्लस रूट 6 प्लस रूट 13, ठीक है। अब डिवाइड में हमारे पास क्या है 2 है, रूट 42, ठीक है। अब जो रूट में है सिर्फ उसको ही रेशनलाइज करेंगे, तो यहाँ पर भी रूट 42 हो जाएगा और डिवाइड में भी रूट 42 हो जाएगा। अब देखो रूट 42 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, जब हम लोग इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में हमारे पास क्या होगा,
सेवन ठीक है इंटू 42 हो जाएगा, मतलब एक बार इसमें मल्टीप्लाई, एक बार इसमें मल्टीप्लाई, एक बार इसमें मल्टीप्लाई, प्लस √6 इंटू 42, क्योंकि दोनों रूट में तो एक ही जगह में आ जाएंगे मल्टीप्लाई करने में, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 42 इंटू 13 ठीक है। डिवाइड में हमारे पास गया है 2 √42 इंटू √42 ठीक है, इतना हमने कर दिया। अब देखो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ लिखा हमने रूट में 7 है, हमने 7 को ऐसे लिखा। अब 42 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 7 × 6, क्योंकि 6 7 भी 42 होता है ना, तो हम लोग इसको ऐसे लिख दे कोई दिक्कत, 6 7 42 × 7 सेम वही आ गया, प्लस यहाँ पर भी करो रूट, अब यहाँ पर 6 है, फिर से हम लोग 42 को ऐसे लिख दे 6 7 42, 7 × 6 कर दिया ठीक है, प्लस अब यहाँ पर क्या, अब देखो ये रूट में 42 × 13 है, इसका कुछ भी करोगे कुछ हो ही नहीं सकता, तो सिंपल से हम लोग इन दोनों का अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा 546 आ जाएगा ठीक है। अब डिवाइड में हमारे पास देखो क्या है, 2 √42 × 42, 42 × 42 करोगे जो रूट में है तो सिर्फ 42 ही आएगा ठीक है। अब हमारे पास मल्टीप्लाई में 2 भी है, 42 × 2 कर दो तो आ जाएगा 84 ठीक है, इतना हमने कर दिया। अब हमारा अगर क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो जो हमने अभी सॉल्व किया, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है 77, मतलब 77 का मतलब क्या होता है 7 का स्क्वायर, जब 7 का स्क्वायर होता है उसके ऊपर रूट लगा होता है तो रूट कैंसिल हो जाता है, तो 7 हमारा बाहर आ जाता है, तो हमने यहाँ पर 7 बाहर कर दिया, रूट में क्या बचा अंदर सिर्फ 6, सेम वही चीज़ हमने इसमें भी की, 6 6 हमारा 2 बार है, तो इसमें हमने 6 के स्क्वायर लगाया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा 6 बाहर आ गया और रूट में 7 आ गया, प्लस रूट में हमारे पास यहाँ पर है 546 और डिवाइड में हमारे पास है 84 और यही हो गया हमारा आंसर फर्स्ट पार्ट का ठीक है, कितना इजी था ना ये। इसी का सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में हमारे पास गिवन है 3/√3 + √5 - √2 ठीक है। अब इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग इसको मान लेंगे ये पूरा हमारा ए है ठीक है, ये ए बोल देंगे और इसे बी बोल देंगे तभी इसको हम लोग रियलाइज कर पाएंगे, तो चलो इसे करते हैं जल्दी से। यहाँ लिखा हमने 3/ में हमारे पास है, ब्रैकेट में कर देते हैं ठीक है, √3 + √5 ठीक, यहाँ पर एक ब्रैकेट में हो गया -√2 हो गया हमारे पास। अब ये ए हो गया, ये बी हो गया, अब इसको रेशलाइज करोगे तो यहाँ पर ए हमारा हो जाएगा √3 + √5 एक ब्रैकेट में, प्लस की जगह यहाँ माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस जगह प्लस हो जाएगा और यहाँ पर √2 हो जाएगा, और डिवाइड में सेम यही चीज़ नीचे आ जाएगी √3 + √5 ब्रैकेट क्लोज +√2 ठीक है। ये ब्रैकेट सिर्फ समझाने के लिए था, क्योंकि हमने इसको ए माना इसलिए हमने इसको एक सेपरेट ब्रैकेट में कर दिया, इसे बी माना है तो ये √2 जैसे का तैसा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जब 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 √3 हो जाएगा, प्लस 3 का अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 3 √5 भी हो जाएगा, अब 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी करोगे तो 3 √2 हो जाएगा। अब डिवाइड में हमारे पास देखो क्या है, ये है और ये है, ये पूरा हमारा ए है, ये पूरा ए है और ये हमारा बी है ठीक है, वैसे ही ए ये है और ये हमारा बी है, तो इसको ध्यान से देखो तो ये हमारा एक फॉर्मूले के तरह दिखता है, वो क्या होता है a² - b² वाला फॉर्मूला, क्या होता है a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब देखो जहाँ पर भी a है ठीक है उसमें स्क्वायर लगा देंगे और b में स्क्वायर लगा देंगे, बीच में माइनस कर देंगे, समझ लो ये a + b है, ये a - b, ध्यान से देख लो a + b a - b, आगे पीछे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो ए हमारे पास है √5 होल स्क्वायर ठीक है, स्क्वायर लगाना है ए में, बीच में माइनस, बी हमारे पास है √2 तो √2 का स्क्वायर ठीक है, इतना देख लिया। अब देखो इसे आगे का, अब इसको अगर ध्यान से देखो तो ये हमें दिखेगा a + b वाला फॉर्मूला, a + b होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab, तो इसमें हम लोग यही फॉर्मूले पुट करने जा रहे हैं, यहाँ हो जाएगा 3 √3 + 3 √5 + 3 √2 ठीक है, ये है हमारे पास। डिवाइड में हमारे पास देखो क्या आ गया, ये a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² ए हमारे पास √3 का स्क्वायर प्लस बी हमारे पास क्या है √5 का स्क्वायर ठीक है प्लस 2ab 2 √3 × √5 ठीक है माइनस √2 का स्क्वायर होगा 2 ऐसे ही लिख दिया हमने। अब इसको फिर से अच्छे से सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हो गया 3 √3 + 3 √5 + 3 √2 डिवाइड में। अब देखो 3 रूट का क्या होगा, मतलब √3 का स्क्वायर होगा 3 प्लस
रूट फाइव का होगा 5 प्लस, देखो रूट थ्री इंटू रूट फाइव क्या हो जाएगा, 3 5 15 और यहाँ पे 2 root 15 माइनस का क्या है 2 है, ठीक है। अब देखो इन दोनों को प्लस करो तो 8 होगा, 8 में माइनस 2 कर दो तो 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास अपॉन में 6 plus 2 root 15। अब ऊपर तो हमारे पास वही रहेगा जो हमारे पास था 3 root 3 plus 3 root 5 और यहाँ पर प्लस 3 root 2। अब हमारे पास जो अपॉन में है ना, जो डिवाइड में है, वो अभी भी रूट में है, तो इसको हम लोगों को रूट से हटाना होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से रेशनलाइज कर देंगे, ठीक है। तो इसको फिर से पकड़ो और फिर से रेशनलाइज कर दो, यहाँ पर इक्वल्स टू यहाँ पर 3 root 3 plus 3 root 5 plus 3 root 2, ठीक है। अब डिवाइड में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 plus 2 root 15। अब इसको रेशनलाइज करोगे तो ये पूरा उठ के यहाँ चला जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा और ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2 root 15, ठीक है। अब डिवाइड में हमारे पास यही आ जाएगा 6 minus 2 root 15, ठीक है, इतना समझ गए, दोनों में वही रहेगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो। चलो अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। पहले करेंगे 3 root 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे में, ठीक है, 6 minus 2 root 15 में। तो यहाँ पर देखो ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखा 3 root 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इसमें ब्रैकेट लगा देंगे 6 minus 2 root 15, ठीक है, ये लिखा। अब सेम इसका फिर से ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर प्लस लिखा 3 root 5 ब्रैकेट में 6 minus 2 root 15, ठीक है, ये कर दिया ब्रैकेट क्लोज। फिर से यहाँ प्लस लिखा, यहाँ पर 3 root 2 और यहाँ पर 6 minus 2 root 15, ठीक, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो डिवाइड में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है 6 plus 2 root 15, 6 minus 2 root 15, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया जो हमने अभी बताया था, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर a हमारे पास 6 है तो 6 का स्क्वायर माइनस b हमारे पास है 2 root 15, तो ये 2 root 15 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है 3 root 3, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 6 3 से क्या होगा 18, रूट में क्या 3 हो गया, ठीक है। अब इसका इसमें माइनस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा माइनस 3 2 6, रूट में क्या है 15 और रूट में यहाँ पर 3 है, तो 15 3 से क्या होगा 15 3 से 45 होगा, तो यहाँ पर 45 लिखो, ठीक है, ये पूरा रूट में। अब देखो प्लस, अब 3 root 5 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 6 3 से क्या होगा 18 हो जाएगा फिर से और यहाँ पर रूट 5 आ जाएगा, ठीक। अब 3 root 5 का फिर इसमें मल्टीप्लाई, 3 2 से क्या होगा 6 हो जाएगा और 15 5 से क्या होगा देता हूँ, 15 5 75, तो यहाँ पर 75 लिखो प्लस। अब 3 root 2 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो 3 2 से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, सॉरी 6 3 से क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 root 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है प्लस ये माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, 3 2 से 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 लिखा, 15 2 से 30, तो यहाँ पर कर दो 30। अब डिवाइड में हमारे पास देखो क्या आ रहा है, 6 6 से क्या होगा 36, यहाँ पर 36 लिखा, माइनस 2 का स्क्वायर होता है 2 2 4 और रूट 15 का होगा 15 15 2 से क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास 30 हो जाएगा, यहाँ पर 30 लिख दो, सॉरी देखो 2 2 4 होता है और 15 का रूट 15 का 15 15 4 60 होगा, तो यहाँ पर हमें 60 लिखना होगा, ठीक है, यहाँ पर हमने 60 कर दिया। अब देखो यहाँ पर कुछ हो सकता है क्या, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। अब इसमें असली गेम तो अब चालू होने वाला है इस क्वेश्चन का, तो यहाँ पर क्या 18 है, ठीक है, अब रूट में 3 है। अब देखो यहाँ माइनस 6, ठीक है। अब देखो 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 into 3 into 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 3 9 और 9 5 से क्या होगा 45। कोई दिक्कत है ऐसे लिखने से, कोई दिक्कत है तो कॉमेंट कर दो जल्दी से, ठीक है। चलो ये कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। प्लस यहाँ पर क्या लिखा है 18 और यहाँ पर लिखा है रूट 5 माइनस, अब देखो यहाँ है 6, रूट में क्या है यहाँ पर 75, ठीक है। अब देखो 75 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 75 को हम लोग ये लिख सकते हैं 25 into 5 into 3, तो 5 5 25, 25 3 75 होता है, ये हमने लिख दिया। प्लस यहाँ पर क्या हो गया 18, रूट में हमारे पास हो गया 2 माइनस 6 रूट में 30। अब 6 root 30 को देखो हम लोग कैसे लिख सकते हैं,
अब इसको ऐसे ही रहने दो, इसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 30 कर दिया। अब देखो डिवाइड में हमारे पास क्या आ गया, 36 माइनस 60, इन दोनों को माइनस करो तो -24, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से देखना, अगर ये 3 3 है, मतलब यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है 3 × 3, यहाँ पर रफ है ये 3 × 3, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अगर रूट है, स्क्वायर है, तो रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, 3 हमारा बच जाता है, तो 3 हमारा ऐसे बाहर आ जाएगा। समझ गए इतनी बात? देखो 3 × 3 है, 2 बार 3 है, 3 × 3 मतलब 3 स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और 3 हमारा बाहर आ जाएगा रूट से। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 18√3 -6 × 3 रूट में हो जाएगा 5, प्लस 18√5 है, यहाँ पर ऐसे लिखने दो, माइनस सेम वही इसमें भी होगा, 5 × 5 है, 5 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 5 बाहर, तो 6 × 5 रूट में हो जाएगा 3, प्लस 18√2 -6√30, ठीक है। अब डिवाइड में देखो, आ जाओ डिवाइड में क्या है, -24, ठीक है। अब देखो इसे कैसे करोगे, 6 × 3 = 18 होता है, तो 18√5 हो गया, ठीक है। अब देखो ये -18√5 और ये +18√5 है, तो इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं, 6 × 3 = 18, और यहाँ पर भी 18 है, √5 है, कैंसिल कर दिया क्योंकि ये माइनस था, ये प्लस था, ठीक है। अब इसमें आओ, कितना होगा, 6 × 5 क्या होता है, 6 × 5 = 30 होता है, 6 × 5 = 30, √3, ठीक है। तो अब देखो कुछ कटने वाला नहीं है ना, तो इसको ऐसे लिखो, यहाँ पर लिखा हमने 18√3, ठीक है। अब इसको ना साथ में इसके यहाँ पर ले आओ, तो ये तो कट गए, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 6 × 5 = 30 हो जाएगा, यहाँ पर √3 हो जाएगा, प्लस 18√2 -6√30, ठीक है। डिवाइड में हमारे पास क्या है, -24, ओके। अब देखो इसके आगे, यहाँ पर देखो, अब ये देखो माइनस का है 30√3 और ये +18√3, √3 है ना, तो इन दोनों को हम लोग माइनस कर सकते हैं। अगर हम लोग इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस हमारे पास आ जाएगा 12√3, ठीक है, प्लस अब क्या 8√2 है ना, तो वही 8 नहीं होगा, यहाँ पर 18 होगा, 18√2 -6√30, ठीक है। डिवाइड में क्या है, -24 हो गया इतना। अब देखो इसमें से हम लोग कुछ कर सकते हैं, हाँ इसमें से हम लोग 6 कॉमन ले सकते हैं ऊपर वाले से, तो हम लोग अगर इसे 6 कॉमन लेते हैं, -6 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो -6 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, 6 × 2 = 12, 2√3, ठीक है। -6 कॉमन ले लिया मतलब बाहर निकालिए, तो प्लस बचे हो जाएगा और +2 आ जाएगा क्योंकि 6 × 2 = 12 होता है। वैसे ही इसमें भी हम लोग करेंगे तो माइनस जगह अब यहाँ पर, सॉरी प्लस जगह अब यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और 6 × 3 = 3√2 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस बाहर आ गया तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस का हो जाएगा √30 और ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर -24, 6 से कर दो तो 6 कितना जाएगा, 6 × 4 होगा, हो गया आगे हमारा आंसर, यहाँ पर वट 2√3 -3√2 +√30, डिवाइड में हमारे पास 4, और ये आ गया हमारा आंसर। अब ये इसी का थर्ड पार्ट है, अब इसमें हमें सेम वैसे ही करेंगे जैसे 1 और 2 पार्ट किए थे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग रेशनलाइज करते हैं, ठीक है, चलो इसको देखो कैसे करेंगे, बहुत इजी है ये, तो उन दोनों से इजी है। तो 4 डिवाइड में हमारे पास क्या है, 2 + √3 + 7, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था कि इन दोनों को आप ले लो, इसको ए मान लेना और इसको बी मान लेना, ठीक है, ये 7 है। अब यहाँ पर हमें रेशनलाइज करना, तो ये उठ के ऊपर चला जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ लिखो 2 + √3 और यहाँ पर प्लस है ना, प्लस की जगह ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पर √7 हो जाएगा। डिवाइड में देखो यहाँ पर भी आ जाएगा 2 + √3, ये माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दो। जब हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 (2 + √3), ठीक है, -4√7, ठीक है। हमने क्या किया, 4 का एक बार इसमें मल्टीप्लाई कराया और दूसरी बार हमने इसमें मल्टीप्लाई करा दिया। अब अगर इसे नीचे वाले को ध्यान से देखो तो ये a प्लस बी, ये a है और ये b है, ये a है ये b है, ठीक है। तो ये a प्लस बी a माइनस बी आप दिख रहा है, तो ये a प्लस बी a माइनस बी कौन सा फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो इसमें हम लोग पुट कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए हमारा ये है, बी ये है, ठीक है। यहाँ पर डिवाइड में ए में हमारा हो जाएगा 2 + √3,
का स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अब भी हमारे पास है रूट सेवन, तो रूट सेवन का स्क्वायर लिख देंगे, सिंपल है। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले फोर का हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो फोर टू जो क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा, ठीक, प्लस फोर रूट थ्री हो जाएगा, ओके। अब माइनस फोर रूट सेवन तो है ही, अब देखो सॉरी सेवन है ये, सेवन कर दिया। अब डिवाइड में देखो ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। ए प्लस बी का फॉर्मूला तो पता होता है क्या होता है, देखो ए प्लस बी का जब होल स्क्वायर लगा होता है तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है, टू ए बी आपका बीच में भी हो सकता है, यहाँ भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बस हमें वैल्यू पुट सही से करना है, इससे फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये है, तो इसमें हम लोग ये फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, ए हमारा टू हो गया और बी हमारा क्या हो गया, रूट थ्री हो गया, तो यहाँ पर टू है तो यहाँ पर टू का स्क्वायर प्लस बी हमारे पास है रूट थ्री, रूट थ्री का स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू ए बी, टू इंटू ए हमारे पास टू है और बी हमारे पास रूट थ्री, ठीक है। अब देखो माइनस में हमारे पास क्या है, रूट सेवन, रूट सेवन का स्क्वायर होता है सेवन, तो यहाँ पर लिख दिया हमने सेवन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो अच्छे से, अब यहाँ पर हमारे पास है एट प्लस फोर रूट थ्री माइनस फोर रूट सेवन डिवाइड में, ठीक है, डिवाइड में क्या है, टू का स्क्वायर होता है फोर, यहाँ पर फोर लिखा, प्लस रूट थ्री का स्क्वायर होता है थ्री, तो हमने यहाँ पर थ्री लिख दिया, ठीक है, प्लस टू टू जा फोर, फोर रूट थ्री, तो यहाँ पर हो जाएगा फोर रूट में थ्री माइनस सेवन, ठीक है। अब इन सबको क्या करो, प्लस कर लो, प्लस करने में देखो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर लिखते हैं एट प्लस फोर रूट थ्री माइनस फोर रूट सेवन, ठीक है। अब डिवाइड में देख लो पहले, यहीं पर फोर प्लस थ्री क्या होता है सेवन, ये सेवन प्लस का हो जाएगा, ये सेवन माइनस का, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा फोर रूट थ्री, ठीक है, क्या बचेगा, फोर रूट में थ्री, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं फोर रूट थ्री। अब देखो क्या करोगे, अब बताओ क्या करेंगे इसके आगे, जल्दी से देखो हमें क्या करना होता है, हमको जो डिवाइड से ना रूट हटाना होता है, इसलिए हम रेशनलाइज करते हैं, ओके। तो यहाँ पर अभी फिर से रूट आ गया, तो हम लोग इसको फिर से रेशनलाइज करते हैं, तो यहाँ पर थ्री है रूट में, तो यहाँ पर रूट थ्री यहाँ पर लिख देंगे और रूट थ्री यहाँ लिख देंगे, ठीक है, ये देखो मल्टीप्लाई में, इसलिए हम सिर्फ रूट थ्री ले रहे हैं, अगर यहाँ पर ये माइनस या प्लस में होता तो हम पूरा उठाते और यहाँ पर लिख देते, जैसे हमने ये वाला किया, तो वैसे मल्टीप्लाई में, इसलिए हम सिर्फ रूट थ्री को ही ले रहे हैं, समझ गए। अब देखो रूट थ्री का मल्टीप्लाई इसमें करो, तो रूट एट रूट थ्री हो जाएगा, ठीक है, अब रूट थ्री का इसमें मल्टीप्लाई करो, तो प्लस फोर रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, तो यहाँ पर थ्री लिख दो, ठीक है, माइनस फोर है यहाँ पर फोर लिखो, और फोर इंटू रूट सेवन, और रूट थ्री, रूट सेवन इंटू रूट थ्री क्या होगा, रूट में 21, समझ गए, इतना डिवाइड आ जाओ, डिवाइड में हमारे पास क्या है, फोर रूट थ्री इंटू रूट थ्री है, तो फोर रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या होता है, थ्री, तो फोर इंटू थ्री हो गया, समझ में आ रही है ये बात, नहीं आ रही तो देखो अगर हम रूट थ्री और रूट थ्री का मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास थ्री बचता है, ठीक है, तो हमने वहाँ लिख दिया, यहाँ पर सेम चीज़ यहाँ पर भी हमने की है, रूट थ्री इंटू रूट थ्री का मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास थ्री बचा, और ये हमने क्या किया, रूट इसमें लगाया, रूट इसमें लगाया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया और रूट में लिख दिया, समझ में आ गया। तो आगे करो, इक्वल्स टू लगाओ, यहाँ पर हमने किया एट रूट थ्री, ठीक है, और यहाँ पर प्लस फोर थ्री जैसे ट्वेल्व होगा, ट्वेल्व किया माइनस फोर रूट में 21, ठीक है। अब देखो डिवाइड में हमारे पास क्या है, थ्री फोर से क्या हो गया, ट्वेल्व हो गया, ट्वेल्व हो गया, ऐसे लिख दिया। अब देखो हम लोग इसमें कुछ कर सकते हैं, हाँ कुछ तो कर ही सकते हैं, इसमें से हम लोग फोर को कॉमन ले सकते हैं ऊपर वाले में से, ठीक है, तो अगर हम लोग फोर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, टू रूट थ्री हो जाएगा, लिख दिया, प्लस फोर से किया तो फोर थ्री बचा हमारा, यहाँ पर ये ट्वेल्व है ना, फोर थ्री से ट्वेल्व होता है, यहाँ पर माइनस रूट 21 हमारे पास बच गया, ठीक है। अब डिवाइड में हमारे पास क्या है, ट्वेल्व है, तो फोर से इसे कैंसिल किया, फोर थ्री जो हो गया, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बचा टू रूट थ्री, ठीक है, प्लस थ्री माइनस रूट में 21, डिवाइड में क्या हुआ, थ्री, और यही आ गया हमारा आंसर। देखो एक चीज़ जरा ध्यान से देखना, आंसर में आपको ये माइनस 21 बीच में दिया है, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये आपका सही है, इसलिए बीच में आ रहा है क्योंकि हमने हमने क्या किया, जो ये है ना प्लस टू ए बी हमने साइड में लिया है, इस वजह से हमारा रूट 21 साइड में आ रहा है, ठीक है।
बस इतना ही फर्क है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ये एक्सरसाइज समझ में आ रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है लाइक करो, नहीं अच्छी लगती है तो डिसलाइक करो, मगर कुछ तो करके जाओ यार। इससे हमें पता चलेगा कि आपको अच्छा लग रहा है या खराब लग रहा है, इससे हम लोग इम्प्रूव करते रहेंगे, ठीक है। अगर अच्छी लग रही है तो शेयर भी करो दोस्तों के साथ, उस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह के सारे सोल्यूशन आपको हर वीडियो में मिलते रहें। थैंक यू।